माय चैनल गोल्डन लोटस सॉल्यूशंस। अभी क्या है, हम अपने 10th क्वेश्चन कर चुके हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस का अपना असाइनमेंट है, इसे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपका 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 11th क्वेश्चन में गिवन है कि पी एंड क्यू आर 27 किलोमीटर अवे, कि जो मेरा पी और क्यू में मुझे कोई आपको ट्रैक दे रखा है, ये कितना मेरे पास 27 किलोमीटर। अब टू ट्रेन्स हैं स्टार्ट फ्रॉम पी टुवर्ड क्यू, मतलब एक पी से शुरू हुई है एक क्यू से शुरू हुई है सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो मुझे पी की स्पीड गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर और क्यू की गिवन है मुझे 18 किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या है कि इन द सेम डायरेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट ऑफ आर बियॉन्ड क्यू, कि ये आर पर मिली है कि भाई पी ने शुरू किया चलना, ये आर पर पहुंच गया, क्यू ने शुरू किया, अब ये भी आपको आर पर पहुंच गया। पी और क्यू सेम टाइम पे चले हैं तो सेम टाइम पे मिले होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेरा क्या कॉन्स्टेंट है, मेरा टाइम कॉन्स्टेंट है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा टाइम क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, सेम रहा है। तो मेरा अब डिस्टेंस किस पर डिफर करेगी, मेरी स्पीड पे, ठीक है। अब मैं स्पीड निकाल लेता हूँ, तो स्पीड मेरी कितनी है, आपकी पी की स्पीड 24 है, इसकी 18 है, ठीक है। मतलब कि 6 चौक 24, 6 3 18, तो मेरा डिस्टेंस भी आपका सेम रेशियो में होगा, या मैं अलग से लिख देता हूँ, डिस्टेंस कितना होगा 4 और 3, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है कि भाई जो मेरा पी है, पी ने कितनी की है, पी ने कितनी की है 4, और क्यू ने कितनी की है 3 डिस्टेंस, 4 यूनिट और 3 डिस्टेंस है। बाबा एक बात देखिए, मतलब कि पी ने यहाँ से शुरू किया, पूरी कितनी की है ये आपकी 4, अगर ये पूरी किया मेरे पास में 4 है, ठीक है, और क्यू कितनी कर रहा 3, तो मतलब ये 3 है, तो बची कितनी, ये मेरे पास 1 होगी। लेकिन डिस्टेंस करो फॉर्म में नहीं है, मेरे पास ये सीधी डिस्टेंस है मतलब यहाँ तक की, और ये वाली डिस्टेंस है, अगर 3 ये है पूरी 4 थी, बची कितनी 1। अब 1 की वैल्यू कितनी है 27 है, तो आपको 3 की कितनी हो जाएगी आपकी 54, ठीक है, 54 क्या है 27, 1 की 27 है, तो 3 कितनी होगी मेरी 81 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास में 81 किलोमीटर होगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि दिन में तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर सकता, कभी कोई है कभी कोई है, अभी फेरी वाले आवाज़ दे रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 12th क्वेश्चन है, 12th में क्या है कि ए चाइल्ड वाई गो टू स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड टू 4/5 ऑफ द हिज एक्चुअल स्पीड एंड रीच 15 मिनट लेट। आपको क्या बोला गया है कि भाई कोई बच्चा है वो अपनी स्पीड से 4/5 से जाता है, पहले 5 से जा रहा था अब 4 से जाता है, तो 15 मिनट लेट हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है कि भाई अगर घर से स्कूल चला है तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, या तो पहले 5 किलोमीटर पर आओगे आप 4 किलोमीटर पर आओ जा रहा है, तो फर्क किस में आएगा, टाइम में फर्क आएगा, आप समझ रहे हो। अगर जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम आपका घट जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्पीड क्या थी, पहले 5 थी अब होगी 4, और टाइम क्या होगा, इसमें टाइम उल्टा था हमेशा, कि मैंने बताया था जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, तो मतलब कि ये 5 होगा ये 4 होगा। इसका मकसद ये होता है कि दोनों केस में मेरे पास डिस्टेंस सेम आ जाए, कि 5/20 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगी, टाइम इंटू स्पीड करूँगा तो 5/20 मिनट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम अपोजिट में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या गिवन है कि भाई ये लेट हुआ है कितना, कि पहले जा रहा था ये 4 घंटे में, अब 4 मिनट में अब 5 मिनट टाइम ले रहा है, तो मतलब 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 मिनट है, 15 मिनट है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसकी वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय उसका पहले वाला होगा, तो मतलब ये कितना मेरे पास में इंटू 15 कर दूंगा मैं, मतलब कि 60 मिनट। अगर आपसे स्पीड पूछता, स्पीड कैसे निकालते, भाई 60 मिनट में कितना चल रहा है, ये 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर 60 मिनट में, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आ हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर हो गया 60 मिनट का, मतलब तो मेरे पास स्पीड ये हो जाएगी। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जो मैं अभी आपको पीडीएफ में डाल रहा हूँ, इसके अंदर है क्या कि पूछ रखा टाइम है, पर जो आंसर में गिवन है स्पीड। अब आगे चलता हूँ 13th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन में क्या है कि ए चाइल्ड वाई गोइंग टू स्कूल इंक्रीज हिज स्पीड टू 7/6 ऑफ द हिज एक्चुअल स्पीड ही रीच हिज स्कूल
5 मिनट्स अर्ली, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। अब हुआ क्या है कि भाई इसने स्पीड अपनी क्या किया, बढ़ाई है, घटाई नहीं है, पहले ये थी, पहले और बाद में, भाई 6 और 7 हो गई है, तो टाइम का उल्टा होता है स्पीड का, डिस्टेंस सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने 6 कर दिया यहाँ पे, हाँ मैंने 6 कर दिया यहाँ पे, 7 कर दिया। अब इसने बोला क्या है कि भाई अब ये पहले पहुंच रहा है, तो कितना पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे आपको, 1 यूनिट गिवन है 5, तो मतलब 1 यूनिट की 5 है, तो आपकी 7 यूनिट कितनी हो जाएगी, 35 मिनट, मतलब कि 35 मिनट वो ट्रैवल कर रहा है वही डिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया कि इसकी वास्तविक चाल क्या होगी, मतलब कि 6 किलोमीटर अगर आप स्पीड पूछिए कैसे करोगे आप, कि 35 मिनट में कितनी जा रहा है, ये 6 यूनिट जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे किलोमीटर भी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे स्पीड को, पर अगर आप आंसर के साथ चलें तो कैसे निकालोगे कि भाई 6 है कितने में, 35 मिनट में। ठीक है, मैं 7 से काट लेता हूँ, सर तो मुझे 35, ये 5 हो गया, इसको 7 से कर देता हूँ कि भाई 5 मिनट में इतना जाएगा, मुझे चाहिए क्या, स्पीड मेरी आवर में से होती है, तो मैं 12 से कर देता हूँ, तो 12 से करूँगा तो सभी 12 से करूँगा, तो 72/7, ठीक है ये मेरा 60 मिनट, तो मेरी स्पीड क्या हो गई, 72/7 आपकी जितने भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है यूनिट पर आवर होगी, क्योंकि मैं, क्योंकि 7/6 की बना क्वेश्चन के अंदर, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि मैं इसको किलोमीटर में डिफाइन करवाऊँ कि इतने किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हो सकता है इसकी 36 किलोमीटर हो या इसकी आपकी 60 किलोमीटर हो, कि 6 और 7 की रेशियो में तो है, मुझे बस यही गिवन है, अगर मैं किलोमीटर में मानता हूँ तो क्या होगा, 72/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन करवाए हैं 12th और 13th, उनके अंदर आपसे ये तो पूछ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल स्पीड क्या होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में आपको डिफाइन है ही नहीं कुछ भी, आपको क्या गिवन है कि भाई 7/6 हो गई है, और मुझे कितना क्या पता कि कितने अमाउंट का कितना बाय 6 हुआ है, तो आपसे पूछा कितना होगा, पूछा ये गया होगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई टाइम कितना होगा, तो उसने पहले लिया है, तो टाइम आप इजिली निकाल लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं आपका 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक चाइल्ड है वो गोइंग टू स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड टू 7/11, कि भाई पहले 11 स्पीड थी, अब कितनी करती है, 7 करती है। ठीक है, तो टाइम भी आपका आउट हो जाएगा, 11 और 7, तो एंड ही रीच इन 22 आवर्स, वो कितने में पहुंच गया, 22 आवर्स में पहुंच गया, उसने अपनी स्पीड क्या की, 11 से 7 कर दी, और टाइम आपका बढ़ जाएगा, पहले 7 लेता होगा तो 11 यूनिट लेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 22 है, तो 1 यूनिट आपकी 2 की होगी। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इफ ही हैड वॉक्ड एट इनिशियल स्पीड देन हाउ मच टाइम हैड ही सेव्ड, उसने बोला कि अगर वो आपकी इसी स्पीड से चलता 11 स्पीड से, तो कितना टाइम चलता, तो कितना टाइम चलता, टाइम देखिए 4 बज रहा है, मतलब कि मैं गुना कर दूंगा इसको 2 से, तो कितना रहता आपका 8 आवर्स, तो आपका क्या करता है ये 8 आवर्स आपके सेव कर लेता। अब आगे चलते आपका 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में क्या है कि एक कार ट्रेवलिंग विद द 5/7 ऑफ द इट्स यूजुअल स्पीड कवर इट 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, वट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार, देखिए अब आपको रेशियो गिवन है, स्पीड क्या गिवन है कि भाई स्पीड होगी आपकी 5/7, पहले 7 थी अब 5 चल रही है, नीचे बाद वाला केस होता है। ठीक है, बाद और अभी, मैंने मतलब ये पहले स्पीड थी और ये बाद में स्पीड है, जो मतलब कि चेंज करने के बाद आई है, तो टाइम मेरा उल्टा होगा, मतलब कि 7/5। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो क्या गिवन है टू कवर 42 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है 42 किलोमीटर इन द 1 आवर 40 मिनट और 48 सेकेंड, कि भाई 1 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड में ट्रेवल करना है, वट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। अब इसने घटा दी तो कितने में ट्रेवल कर रहा है, ये बार बार टाइम मेरे पास ये है, तो इतना गिवन है मुझे, ये गिवन है कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, भाई 1 घंटा है और 40 मिनट है और 48 सेकेंड है, तो मैं क्या करता हूँ, या उसको सेकंड बदल लो, सेकंड मतलब 3600, 40 और 48, 8,
चार आठ, फिर 6 और 3688, मतलब कि ये मेरा हो गया 3688 सेकेंड। अब 1 यूनिट कितनी होगी, तो मुझे 35, 1 7 दूनी 14, सॉरी गलत कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं 1 आवर्स में कितने होते 3640 मिनट है तो 2400 हो गया, और आपका कितना है 48 सेकेंड है, मैंने पूरा सेकेंड बदल दिया, तो 8 4 10 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6048, 6048 सेकेंड है, तो 7 में कितना होगा 7 56, 4 7 6 42, 7 4 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 764, 864, तो 5 सेकेंड में 5 चौक, तो 864/5। अब मुझे चाहिए क्या, ये मिनट, मैं इसको इस सेकेंड में तो मिनट में बना लेता हूँ, तो 60 से कर देता हूँ, तो कितना 12, 12 से 84, 12 दूनी 24, मतलब कि 72 मिनट, तो क्या करेगा ये 72 मिनट में ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस की मैंने, तो यहाँ पे आप स्पीड निकाल सकते हो कि भाई 42 किलोमीटर कितने टाइम में कर रहा है, 72 मिनट में, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, 60 चाहिए, तो मैं इसे 60, कोई 60 का फ्रैक्शन की फॉर्मूला लेके आता हूँ, तो मतलब कि मैं 12 में कर लेता हूँ इसको, तो 12 से कर दिया मैंने, 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 6, इसको भी 12 से करना पड़ेगा तो 6 बच गया, फिर 10 से गुना करना पड़ेगा, इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 12 6 72, 6 मिनट में इतना करेगा, मुझे ये कितना 60 मिनट में, तो 60 मिनट कितना करेगा 42/12 × 10, तो ये 6 2 12, 6 3 42, 2 5 10, तो यार कितना आ गया मेरे पास 35 किलोमीटर, कितना 60 मिनट में, मतलब कि 1 घंटे में 35 किलोमीटर पर आवर्स, ये मेरे पास की स्पीड आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं आपका आगे क्या है, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में क्या है कि आपसे पूछा है कि इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अवे टेक्स 2 आवर्स मोर देन स्मीव, इफ द अवे डबल्ड हिज स्पीड देन ही वुड हैव टेक 1 आवर लेस देन स्मीव, फाइंड द स्पीड ऑफ अवे एंड स्मीव स्पीड, दोनों की स्पीड चाहिए भी कितनी होगी। अब क्या है कि आपको गिवन क्या है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अवे को स्मीव से 2 घंटे ज्यादा लगे हैं। इस क्वेश्चन में दो चीज कॉन्स्टेंट है, एक तो क्या है कि इसमें मेरी स्पीड कॉन्स्टेंट है, किसकी, उसकी समीर की, ठीक है, तो अरे मेरी क्या है डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, और मेरी क्या है समीर की स्पीड और स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो फर्क क्या कर रही है, सिर्फ अवे की स्पीड फर्क डाल रही है, ठीक है, तो अवे की स्पीड फर्क डाल रही है, तो मैं सिर्फ अवे का निकाल पाऊंगा, मतलब कि अवे है, अवे ने क्या किया कि पहले कितना कर रहा था ये अपनी, अगर पहले एक ही स्पीड से गया है तो दोबारा से डबल कर दी स्पीड, ठीक है, कि भाई पहले ये थी आपकी स्पीड, ये क्या है मेरे पास स्पीड है, तो टाइम क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा। अब इसमें एक बात देखनी है कि जब ये इस स्पीड से जा रहा था तो कितना घंटे, अगर क्या कर रहा था 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अगर इस स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, अगर वो इस स्पीड से गया है तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि मान के चलो उसे 1 बजे पहुंचना था, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर वो इस स्पीड से गया है तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब पहुंचा किस टाइम है 3 बजे पहुंच रहा है, अगर वो इस स्पीड से जाता है इस वाली से तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि वो 12 बजे पहुंच गया, मतलब पहले ही पहुंच गया, टोटल फर्क कितना है 3 घंटे का है, ठीक है, मतलब कि दोनों की स्पीड में चेंज आने से 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है टोटल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि भाई मेरा 1 यूनिट के बराबर है 3 आवर्स के बराबर है, तो ये मेरा कितना का टाइम, ये 3 आवर्स है, ये मेरा कितना है 6 आवर्स है। अब क्योंकि मेरे पास क्या है कि डिस्टेंस सेम है, कितनी है 30 किलोमीटर, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे चल गया पता कि अभय की स्पीड कितनी थी पहले, जो पहले की स्पीड थी 6 आवर थी, कि जो अभय है कितनी है 6 आवर, और समीरी कितनी होगी, क्योंकि इसको बोला गया है कि अगर ये इस स्पीड से जाता है तो इसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं समीर से, तो समीर कितने ले रहा होगा 4 आवर ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर डिस्टेंस है तो स्पीड आप निकालोगे कि भाई ये कितने घंटे में करेगा, 6 × 30, ये 5 किलोमीटर पर आवर, इससे करूंगा तो 4 × 7 = 28, 4 × 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों की मेरे पास ये स्पीड आ गई। अब आगे चलता हूँ, पूरी टाइम डिस्टेंस में सिर्फ आपको कॉन्स्टेंट का ध्यान रखना कि कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास में, ठीक है। 70 क्वेश्चन में क्या है कि भाई राम किसी ड्राइव पे गया घूमने के लिए, ड्राइव कितने की है 10 माइल की है,
10 माइल की, पर कंडीशन क्या गिवन है कि वो हर एक माइल पे अपनी स्पीड 20% रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अगर हर एक माइल है, मतलब कि एक माइल पे कितनी रिड्यूस कर रहा है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है कि 20/100, मतलब कि 5 पे 1 रिड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो स्पीड उसकी पहले अगर 5 होगी तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो कितनी रिड्यूस कर रहा है, 4/5। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, आपको ये पहचानना है, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, मेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है भाई, 1 माइल है दोनों केस में, ठीक है। अब 1 माइल है तो आप, आपको एक बात पता चलती है कि स्पीड अगर मेरी 4/5 हो रही है, कि 5 से 4 हो रही है, तो मेरी टाइम कितना होगा, 5 से 4 हो जाएगा, टाइम का बढ़ेगा ना, तो टाइम कितना बढ़ा आपके पास, 25% बढ़ा है। अब आपको चल गया बता कितना बढ़ा है, 25%। तो अगर मुझे टाइम, जितना भी टाइम लगेगा, कितना लग रहा है, जितना भी लग रहा है, मान लो वही लग रहा है मुझे, अरे मेरा 1 माइल था, तो मैं क्या कर दूंगा कि 5/4 कर दूंगा उसका, ठीक है। अब वैसे ही बढ़ाता रहूंगा जितना टाइम यहाँ पे लग गया। अब इसमें प्लस हो जाएगा कितना, 5/4 का 5/4। अब आपका ऐसी होता चला जाएगा हर माइल पे, अगर 5 माइल हो गए तो इसकी पावर 5 हो जाएगा, 10 होगी तो पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिप भी प्रोग्रेस में बढ़ेगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिप मतलब कि क्यूब हो जाएगा, ऐसे करते करते आपका पावर बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि उसने पहली 5 माइल की दूरी 5 मिनट में तय कर ली। अब मैं ये मानता हूँ क्योंकि अब मेरा टाइम आपस में जुड़ता आएगा ना, कि भाई पहले 1 है, फिर मतलब दूसरे वाले कितने की होगी, आपकी 5 का स्केयर/4 का स्केयर, तीसरे वाली ये दूसरी वाली है, और तीसरी वाली फिर कितने में की होगी, 3 माइल कितने में की होंगे, 5 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे करते 5 माइल कितने में कर लिए मेरे, 5 का मतलब कि 5 और 4 का 5, ऐसे कर किए होंगे। पर आपको इसकी वैल्यू की होना है, कितनी की होना है, 5 मिनट में इसने 5 माइल ट्रेवल कर ली है, ठीक है। अब 5 मिनट में 5 मिनट ट्रेवल कर लिए, फिर मुझे चाहिए 10 आपका, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा फिर इसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा कैसे, मुझे चल गया पता कि भाई जो 5 माइल्स है इसने कितने में कर लिए हैं, 5 मिनट में कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं फिर टाइम बढ़ाऊंगा, तो मेरा टाइम कितना बढ़ेगा कि भाई ये तो 5 है, तो 6 माइल पे टाइम कितना होगा, 5 × 5/4, ठीक है। अब फिर 7 माइल पे कितना होगा, 5 × 5/4, फिर इसका 5/4, ठीक है। ऐसे करते करते आपका 10th माइल पे आ जाओगे आप, जब 10th माइल पे आओगे तो कितना बचेगा, 5 × 5/5 और 4/5, अब बस ये आ गया, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो अब आप एक बात देखिए, अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ कि भाई मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया, ये टाइम आया मेरे पास टोटल टाइम, कि भाई 5 × 5/5 कितना होता है मेरा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 25 बन जाए आपका, फिर 625 बन जाए, फिर 5 × 6 = 30, फिर 3125 आ जाएगा, तो वो कितना आ गया, 3125, ठीक है। अब ऐसे ही चला करूंगा मैं, 4 × 16 = 64, 64 × 4 = 16, 256, अब 256 को फिर मैं 4 से करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1024 आ जाएगा, अब 1024 आ गया मेरे पास में, तो मेरे पास ये अब टाइम, ये 10th माइल का टाइम आएगा, 10th माइल पे ये टाइम आएगा मेरे पास में। अब टाइम को इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ, तो कैसे करूँगा, आपके पास इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 3.05 × 5 आ जाएगा, ये 5 आपका ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये 15 पॉइंट कितना, 25, तो 15 आपका क्या, ये मिनट है, 15 मिनट, और 0.25 मतलब क्या होता है आपका, चौथा भाग 100 का, चौथा भाग तो मिनट आपका 60 होता है, 60 का चौथा भाग कितना होगा, 15 मिनट, तो 15 सेकंड मिनट का मतलब कि 15 सेकंड, तो 15 मिनट 15 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन मिलेगा, आप ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन से कैसे कि आप डायरेक्ट पूरा तो निकाल नहीं पाओगे, पूरा निकालोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा आपको, तो आपको करना क्या है कि इसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है, कैसे, मैं हमेशा जब भी ऐसी फॉर्म में आता है तो मैं क्या करता हूँ, 312 रखूंगा, नीचे 102 रखूंगा, पीछे वाला आपका नेगलेक्ट कर दूंगा कि भाई है ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब इसको आप कर सकते हो कैसे, इसको मैं 100 के बराबर मान सकता हूँ, तो 100 मान लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3.12, 3.12 × 5 करूंगा तो मेरा वही आ जाएगा, 12×60 × 15.60 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है आपने बढ़ाया तो टाइम आपका कम आएगा, सेकंडों में कम आएगा, बाकी 15 मिनट आपका सेम रहेगा। अब 18 करते हैं, 18 में क्या गिवन है कि स्पीड ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर, दे स्टार्ट फ्रॉम द ए टू आर बी, इज द सन लीव्स आफ्टर 1 आवर्स एंड द रीच 1 आवर अर्लियर देन हिज फादर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, अब आपको शब्दों का खेल है, कुछ नहीं है, आपको बोला क्या गया है कि भाई एक पिता है, कि फादर है और क्या सन है, फादर की इसमें आपको चाल दे रखी है, अगर चाल दे रखी है फादर की कितनी है आपके पास में, 12 किलोमीटर पर आवर है, मतलब
और संगी कितनी है आपकी, 18 किलोमीटर बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या बोला गया कि अगर बेटा आपका 1 घंटे पहले निकलता, मतलब 1 घंटे बाद निकलता और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, मैं कह सकता हूं कि भाई पिता यहां पे निकला होगा, जो फादर है यहां से ट्रैवल स्टार्ट किया और बेटे ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया आपका सन है, ठीक है। और हुआ क्या, आपका जो है फादर यहाँ पे पहुंचा है और बेटा भी यहाँ पे पहुंच गया, पर फर्क इतना पड़ा कि भाई 1 घंटे पहले पहुंच गया सन भी। तो आपको इतना चल गया पता कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, यहाँ पे मेरी डिस्टेंस तो सेम है, फर्क टाइम पे पड़ रहा है। अगर टाइम आपने पहचान लिया कहाँ पे कितना फालतू है तो आपको चल जाएगा पता। अब टाइम में डिफरेंस कितना है, अब आप एक बात देखिए, 1 घंटा वो पहले निकला है, 1 घंटा बाद में निकला है और 1 घंटा पहले पहुंच गया, मतलब कि 2 घंटे का फर्क है स्पीड की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्पीड कितनी है, 18 है सन की और फादर कितनी है, 12 है, तो 3 और 2, तो टाइम कितना हो गया, 2 और 3, ये सन है ये फादर है, तो ये कितना, 1। इसकी इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 आवर है। 2 आवर कैसे है, क्योंकि बेटा बेटे ने क्या किया कि वो 1 घंटा बाद निकला, 1 घंटा पहले पहुंचा है, तो 1 घंटा उसने पहले बचाया है, 1 घंटा उसने बाद में बचाया है, तो स्पीड की वजह से 2 घंटे का फर्क आ रहा है। तो क्या करूंगा मैं, 2 यूनिट है तो ये 4 आवर मेरे पास, तो 6 आवर्स। तो आपसे पूछा क्या है कि ए और बी बी के बीच की दूरी क्या है, आपसे दूरी पूछी है। तो अब मुझे चल गया बता भाई फादर कितनी कितनी देर चला है, 6 आवर चला है, तो 6 आवर चला है तो मैं इसको करूंगा तो कितना बनेगा, 6 को 2 से कर दूंगा, सॉरी 6 को आपका 12 से, क्योंकि आपका एक्चुअल स्पीड आपकी यही है, 6 घंटे हैं, तो 12 करूंगा तो 72 किलोमीटर आ जाएगा, मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर का। इसको भी मैं करूंगा तो 4 4 जब 18 से करूंगा तो यहाँ पे मेरा 72 आएगा, डिस्टेंस मेरी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम थी तो फर्क क्या डालेगी, मेरे पास स्पीड डालेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। अब 19 क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि स्पीड ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, दे स्टार्ट फ्रॉम ए टू आर बी, द सन लीव 39 मिनट लेटर एंड हिज फादर एंड द डिस 21 मिनट आपका पहले पहुंच जाता है, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। पहले वाला क्वेश्चन आपका भाई फादर की स्पीड की मैंने और सन की मैंने, फादर की कितनी है मेरे पास 12 है और सन की कितनी है 15 है, तो मैं काट लेता हूँ, 3 चौक 3 पंजे ये स्पीड है, तो टाइम कितना होगा मेरे पास 5 और 4, क्योंकि फादर 5 लेगा और सन कितना लेगा 4 लेगा। पर हुआ क्या है, इसने बोला कि भाई 39 मिनट बाद निकलता है और पहुंचा कितना है 31 मिनट, ठीक है, तो कितना होगा, 9 10 5 6, मतलब कि 60 मिनट, मतलब 1 आवर्स, तो ये कितने बराबर है, यूनिट बराबर है मेरा 1 आवर्स की, तो ये कितना हो गया 5 आवर्स है, ये कितना है 4 आवर्स है। पूछे कितनी है आपकी, क्या होगी डिस्टेंस कितनी होगी, अब 4, अब स्पीड कितनी है इसकी 15 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है 4, तो 1 घंटे 15 कर रहा है तो 4 घंटे कितना करेगा 60 किलोमीटर, ये मेरे पास क्या जाएगी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, आपका सेम पड़ेगा, अगर मैं 5 को 12 से करूँ तो 12 5 60 यहाँ से आएगा, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। अब 20 क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन ए चाइल्ड गोज टू द स्कूल एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, अब आपको बोला क्या गया है कि कोई चाइल्ड है अगर वो स्पीड गया 5 और 6 से गया है, ठीक है, तो फर्क क्या आ रहा है कि भाई अगर 5 स्पीड जाता है तो उसे 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो मैं क्या, अगर मेरे पास स्पीड है तो ये मैं क्या करता हूँ, टाइम टाइम मेरा उल्टा हुआ 6/5, ठीक है। अब एक बात समझिए, आप मान के चलो मुझे पहुँचना था 12 बजे, मैं गया 5 की स्पीड से, तो मुझे कितने मिनट ज़्यादा लगे, 6 मिनट में पहुँचा हूँ 12:06 पे, ठीक है। अगर मैं 6 की स्पीड से गया हूँ तो मुझे हुआ क्या है, मुझे कितना टाइम कम लगा है, 6 मिनट कम लगा है, तो मैंने मैं पहुंचा किस टाइम में होगा, 11:54 में पहुंचाऊंगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस टाइम कितना आ गया मेरे पास में, 12 मिनट का फर्क पड़ा है, क्यों पड़ा है, क्योंकि मेरी स्पीड क्या हुई है, मतलब कि 6 से 5 हो गई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा 1 की वैल्यू है कितनी है, 12 मिनट है। अब 12 मिनट 1 की है तो 12 6 ये 72 मिनट, ये मेरा 60 मिनट, यह मैं क्या बोलता हूँ 1 आवर्स, कितना मेरा 1 आवर्स है। अब आपको एक बात याद रखनी है, आप सिंपली वहां पर जाएंगे जो आपका सिंपल पड़ता होगा कि भाई 1 घंटे में कितनी स्पीड है, 6 किलोमीटर है और 1 घंटा चल रहा है, तो कितना पड़ेगा 6 × 1, मतलब कि 6 किलोमीटर की क्या होगी मेरे पास इसकी ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगी, ये मेरे पास का आंसर होगा। आप इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको लेंथ भी पड़ेगा, कैसे आपका हो तो जाएगा, कैसे 72/60 कर लूंगा मैं, कितना
कि 5 × 72 स्पीड मेरे पास क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर्स में 5 आता है, तो 72 मिनट में कितना जाएगा, इसको और से मिला लेता हूँ, तो ये 12 × 72 है, तो क्या 6 किलोमीटर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।